बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो, स्पेशली बिगनर्स के लिए, जिन लोगों ने कभी भी कटिंग नहीं की, अपना सूट करते हुए कटिंग करते हुए डरते हैं, तो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आकर आपकी बैठेगी। तो ये मैंने करंडी के दो दुपट्टे मेरे पास पड़े हुए थे, वो मैंने लिए हैं। मुझे ये फैब्रिक बहुत पसंद है और इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मेरे पास काफ़ी पुराने ये पड़े हुए थे, यूज़ में नहीं आ रहे थे, उसका कलर भी ख़राब हो चुका था, रेड कलर येलो पर चढ़ गया था रखे रखे। तो अब मैंने सोचा इसका क्या किया जाए, तो मैंने फटाफट से इसको उठाया और मैं डाई वाले भाई के पास लेकर गई। मैंने बोला इस पर कौन सा कलर आ सकता है, मुझे चाहिए था थोड़ा सा कोई लाइट कलर इस पर आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है इस पर कोई लाइट कलर आए क्योंकि ये डबल शेड है। तो उन्होंने बेचारों ने मेहनत की, उन्होंने कहा कि चलो हम कोशिश करेंगे और उसके ऊपर हम कोई भी डार्क कलर कर देंगे। तो उन्होंने ये ब्लैक कलर कर दिया, कलर बहुत अच्छा आया था। कैमरे में अभी इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लाइटिंग का कुछ थोड़ा सा इशू हो रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छा बिल्कुल न्यू फैब्रिक लग रहा था। और ये मैंने लिया था लॉन का, दो दुपट्टे करंडी के थे और ये लॉन का फैब्रिक मैंने 4.5 मीटर लिया था। इसमें से मुझे ट्राउज़र भी बनाना था और इसका पूरा इनर भी बनाना था, तो इसके मैंने दो पीस अलग कर लिए थे लंबाई के लिहाज से। शर्ट की लंबाई मेरी तकरीबन 42 इंच थी, तो 42 इंच के मैंने दो पीस अलहदा कर लिए थे और ट्राउज़र का कपड़ा मैंने अलहदा कर दिया था। ये देखिए, ट्राउज़र का मैंने कपड़ा अलहदा कर लिया था। अब दामन की जो चौड़ाई थी वो हमारी थी 24 इंच तैयार, तो 24 इंच में मैंने 2 इंच प्लस करके 26 इंच पर निशान लगा लिया है। नीचे से ऊपर की तरफ पूरी लंबाई पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको हम डबल कर देंगे। डबल मैंने इसको फोल्ड कर दिया, यानी फ्रंट का पीस भी है हमारे पास और बैक का पीस भी है, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखकर इसको डबल कर लिया था। इधर हमने शोल्डर का निशान लगाया है 7.5 इंच, तकरीबन हमारा 14 इंच तैयार था, तो हमने 1 इंच बढ़ाकर 7.5 इंच पर निशान लगाया है। और इधर हमने आर्मोल का निशान भी 7.5 इंच पर लगाया है। जितना हमारा शोल्डर का साइज़ होता है उतना ही हम आर्मोल का निशान लगाते हैं। और इधर से मैंने 1 इंच नीचे डैप दी है, कंधी को गिराया है 1 इंच, और इधर से मैंने चेस्ट का निशान लगा लिया है 9 इंच। 18 इंच तैयार था तो हमने 9 इंच पर निशान लगाया है। हिप का जो निशान लगाया है 14 इंच पर, आर्मोल से लेके हिप तक 14 इंच और आर्मोल से लेके कमर तक हमने 6 इंच के निशान लगा लिया है। अब इधर भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे, आर्मोल से नीचे 14 इंच और आर्मोल से नीचे कमर का 6 इंच। गले का निशान मैंने लगाया है 3 इंच। अब इन सारे निशानों को हम मार्क करेंगे। पहले हम कमर का निशान लगाएंगे, कमर की जो है चौड़ाई का मैंने निशान लगा लिया है। इधर हम हिप की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, 21 इंच हम हिप का निशान हमें लगाया है और तकरीबन 17 इंच हमने कमर का निशान लगाया है, तो उसको मैंने हाफ ऑफ करके मार्क कर लिया था। अब ये सारे निशानों को हम मिला देंगे। यहाँ पे हमने जो आर्मोल का निशान लगाया है दोनों साइड को हम मार्क कर लेंगे। कमर का निशान जो हमने लगाया है 8.5 इंच पर हमने निशान लगाया था कमर का, और यहाँ पर हमने 10.5 इंच पर हिप का निशान लगाया था। अब जो चेस्ट का जो मार्क है हम उसको कमर से टच करके मार्क कर देंगे और इधर कमर से लेके हिप तक को हम मार्क कर देंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान आ जाएगा। ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये सिलाई के निशान लगा रहे हैं। अब इससे हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा, जो हमारा रियल साइज़ है उससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कटिंग का निशान लगा लिया है। इधर हम चौक पर भी निशान लगा लेंगे, यहाँ पे मैंने देखें 24 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा जो रखा था वो हमने कटिंग का निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हम आर्मोल की गहराई का निशान लगाएंगे, जो कि हम सिर्फ फ्रंट साइड पर गहराई देंगे। ये मैंने 1.25 इंच गहराई दी है और यहाँ से गोलाई का भी मैंने निशान लगा लिया है। इसको हम अंदाजे से अच्छा सा गोल शेप दे लेंगे। ये जो गहराई का हमने निशान लगाया है हम सिर्फ फ्रंट साइड पर देंगे, जो हमारा सामना है वहाँ पर हमने गहराई देनी है। नीचे मैंने करंडी वाला फैब्रिक भी रख लिया था डबल करके इसी तरह से, ताकि दोनों एक साथ कटिंग हो जाए। अब ये देखिए, हमने शोल्डर का भी लगाया है, आर्मोल का निशान लगाया है, ये कमर का निशान है हमारा, और ये हिप का हमने निशान लगाया है, और सब में हमने सिलाई का निशान भी लगाया है और कटिंग का निशान भी लगाया है। कटिंग का निशान हमने नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है और साइड की फिटिंग से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब नीचे से भी हमने जो करंडी फैब्रिक है उसको हमने 2 इंच बड़ा रखा है।
जो हमारी लाइनिंग है उसको हमने 2 इंच छोटा रखना है। बहुत ज़्यादा हम छोटा नहीं रखेंगे, अभी नीचे से हमें जितनी लंबाई चाहिए थी हमने उतना उसको कट कर लिया है। अब जो हमने मार्क किया है मार्क के हिसाब से हम इस पर कटिंग कर लेंगे। अभी जो हम आर्मोल की कटिंग करेंगे वो हमने जो गहराई वाला निशान है उस पर कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि जो हमने पहला निशान लगाया था उस पर हमने कटिंग की है, क्योंकि हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों हैं। अगर हम गहराई वाले साइड पर कटिंग कर लेंगे तो दोनों साइड बहुत गहरे हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फ्रंट पर गहराई चाहिए। अब कटिंग वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से बहुत अच्छा जो है बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आता है। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा हम रख लेंगे, हमारे स्लीव्स के काम आएगा। इधर हमने चेस्ट के निशान पर कट लगा देंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमें आसानी हो। यहाँ पे हमने कमर के साए जो हमने निशान लगाया है उस पर हम कट लगा देंगे। ये हिप के निशान पर भी हमने कट लगा दिया है ताकि दोनों साइड पर हमें इक्वल मेजरमेंट मिल जाए जब हम फिटिंग लगाए हैं, सिलाई करें तो। अब ये देखें जो बैक साइड है वो मैंने नीचे से अलहदा कर दिया है, और ये सिर्फ फ्रंट वाला साइड है उसको मैंने अच्छी तरह से बिठा कर, और फिर मैं इसको जो हमने गहराई वाला निशान लगाया था हमने सिर्फ उसको ही कटिंग कर लिया है। दोनों पल्लों को आपने गलती से भी कटिंग नहीं करना है, वरना पीछे से एकदम खींचने लगेगा आपका बैग जो है। सिर्फ फ्रंट साइड पर के आर्मोल पर ही हमने, अब ये देखें मैंने आस्तीन का जो कपड़ा है जो हमारे साइड में से निकला था वो मैंने लिया है, उसको मैंने डबल कर दिया है। ये दोनों स्लीव्स हैं और इसको मैं मेजर कर लूँगी, 1/2 इंच में ऊपर से छोड़कर लंबाई का नाप लूँगी। 22 इंच मुझे तैयार स्लीव्स चाहिए, उस पर मैं निशान लगा लूँगी। और मोरी का साइज़ मुझे टोटल 12 इंच चाहिए था, यानी 6 इंच, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर 7 इंच पर निशान लगा लिया है। इधर भी हमने निशान लगा लिया है। साइड की फिटिंग से भी हमें तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़े को, और नीचे से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे। और ऊपर से जो दबाव वाला साइड है वहाँ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फैब्रिक को। अब ये हम निशान लगाएंगे गहराई का, जो हमने आर्मोल की कटिंग करनी है। 3 इंच पर मैंने लगाया गहराई वाला निशान, और 4 इंच छोड़कर हम गहराई स्टार्ट करेंगे। ऊपर से मैंने 4 इंच का निशान लगाया, नीचे से मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है, इसको मैंने मिला दिया है। अब यहाँ से हम देखें कटिंग करेंगे तो मैंने 1 इंच छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर फोल्डिंग के लिए मैंने कट किया है। अब ऊपर से भी हम इसको कट कर लेंगे, जो हमने निशान लगाया है उसी को गाइडलाइन बनाकर हम कट करेंगे। इस तरह से कटिंग करने से आपकी स्लीव्स भी बिल्कुल परफेक्ट आकर बैठती हैं। नीचे से भी हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया था। अब ऊपर वाला जो आर्मोल है उसके मैंने सिर्फ जो फ्रंट वाला साइड है वहाँ से मैं गहराई दूंगी, तकरीबन 1/4 इंच की मैंने गहराई देनी है, क्योंकि आर्मोल में भी हमने इतनी ही गहराई दी थी। सिर्फ 2 पल्लों पर हमने गहराई देनी है, नीचे वाले 2 पल्ले छोड़कर। अब सेंटर में कभी मैंने कट लगा दिया था ताकि सेंटर का हमें निशान मिल जाए सिलाई करते वक्त। अब ये मैंने लाइनिंग वाला कपड़ा भी इसकी स्लीव्स के हिसाब से ही मैंने कटिंग कर लेना है, बिल्कुल स्लीव्स के साइज़ का ही मैंने इसको कट कर लिया है। बस लंबाई मैंने थोड़ी कम रखी है, अगर आप चाहें तो फुल भी लगा सकते हैं इसकी लाइनिंग, और चाहें तो इससे लंबाई इसकी लाइनिंग की और छोटी भी रख सकते हैं। स्लीव्स भी हमारी कट हो चुकी हैं, फ्रंट और बैक भी हमने कट कर लिया है। बहुत आसान से तरीके के साथ बहुत बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आकर ये बैठता है। मैं आपको कमीज़ से नाप लेना भी बताऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए आस्तीन और हमारे फ्रंट और बैक तैयार हो गया था कटिंग करके, अब हम ट्राउज़र को कट कर लेते हैं। ट्राउज़र की लंबाई जो थी उसको हम जो ट्राउज़र की लंबाई लेंगे तो वो मैंने 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा रखूँगी, और 2 इंच मैं ऊपर से जो नेफे वाला साइड होता है जो बेल्ट की फोल्डिंग है वो भी मैं 2 इंच रखूँगी। मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा कम था तो मैंने इसमें ऊपर जॉइंट लगाया है, सेम कपड़े का ही मैंने जॉइंट लगा दिया था। ऊपर से भी देखिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है,
अच्छा वैसे मैं अमूमन ट्राउज़र में नीचे से जो फोल्डिंग होती है वो मैं थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। अब जो हमारा जितना भी अर्ज है मैंने उसमें से 2 इंच माइनस कर दिया है, ये हम सिर्फ फ्रंट का जो है पल्ले कट कर रहे हैं। अब यहाँ से मैंने ऊपर नेफे का छोड़कर 2 इंच छोड़कर मैंने 12 इंच पर निशान लगा लिया है। इस साइड से भी मैंने निशान लगाया 12 इंच पर और उस साइड पे भी मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगा लूँगी, यानी जो हमने इसकी चौड़ाई है उसमें से 2 इंच माइनस करना है। पहले हमने 2 इंच निकाल दिया था एक्स्ट्रा कपड़ा, अब 2 इंच मज़ीद हमें इसको कम करना है 12 इंच तक। अब ये देखिए हमारे पास 14 इंच बचा है। अब इस तरह से हम इसको 12 इंच के जो निशान हैं वहाँ पर हम इसको स्केल की मदद से मार्क कर देंगे। ये हमारा आसन का नाप है। आसन जो हमने लिया है वो हमने नेफे के बाद जो बेल्ट है, बेल्ट की जो 2 इंच है उसको छोड़कर हमने 12 इंच पर निशान लगाया है। अब इसको हम गोल कर देंगे। अब यहाँ से देखिए हमारे पास तकरीबन 14 इंच मिला है, ये हिप का जो साइज़ है हमें 14 इंच मिला है। तो हम 14 का आधा यानी 7 इंच पर निशान लगाएंगे, ये हमारा सेंटर होगा ट्राउज़र का। यहाँ नीचे पाँचे से भी हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर मिल जाए, क्योंकि हमें पाँचे का निशान लगाना है मोरी का, तो इसलिए हमें इसका सेंटर करना ज़रूरी है। अब ये देखिए मैंने इस तरह से बिल्कुल सेंटर का निशान लगा लिया है। अब हम मोरी का निशान लगाएंगे। नीचे जो बॉटम है उस वो मुझे तैयार चाहिए 8 इंच, तो हम 8 इंच का ही निशान लगाएंगे, इसमें सिलाई का नहीं निकालेंगे। इधर से मैंने 4 इंच लगाया, उधर से भी मैं 4 इंच लगा लूँगी। तो इस तरह से 8 इंच मोरी हमारी तैयार मिल जाएगी, क्योंकि हमें जो बैक वाला पार्ट है वो थोड़ा बड़ा काटेंगे हम, तो इस तरह से उसमें सिलाई का कपड़ा मिल जाएगा हमें। थोड़ा सा ऊपर भी मैंने निशान लगा लिया था ताकि हम जब इसको शेप दें तो हमें थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम जो आसन वाला साइड है उसको भी मिला लेंगे। ये हिप वाला साइड में मिला रही हूँ पहले, जो 12 इंच हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमें इसको शेप दे देना है नीचे मोरी वाले साइड से। अच्छा सा हम इसको शेप दे लेंगे ऐसे ही हाथ की मदद से। अगर आपके पास स्केल हो तो आप स्केल से भी दे लीजिएगा। अब यहाँ से भी हम इसको शेप दे लेंगे। अभी हम सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट कट कर रहे हैं। फ्रंट वाला जो पार्ट हम कट करेंगे वो 2 इंच छोटा ही हमने चौड़ाई में कट करना है। अब ये देखिए दोनों साइड हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने लाइंस बनाई हैं उन्हीं लाइंस के ऊपर हम कटिंग करेंगे। हिप वाला साइड और जो क्रॉच वाला साइड है उसके जब आप निशान लगाएं तो बहुत स्मूथ निशान होना चाहिए, शेप अच्छा सा निकलना चाहिए इसका, और आपको अपनी फिटिंग का भी ख्याल रखना है। मैंने तो ये थोड़ा सा लूज़ ही बनाया है क्योंकि लॉन फैब्रिक है, उसमें बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला अगर आप ट्राउज़र बना लें तो वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, तो मैं थोड़ा सा लूज़ ही बनाती हूँ अपना। अगर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा फिट रखना है ऊपर से हिप साइड से और नीचे से भी पाँचे छोटा रखना है तो आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने बैक वाला साइड जो है उसकी चौड़ाई 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है, 2 इंच चौड़ा हम रखेंगे। फ्रंट वाले साइड से हमने जो 2 इंच पट्टी निकाली थी, जो फैब्रिक हमने निकाला था, इसमें से हम नहीं निकालेंगे तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ऊपर से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, ऊपर जो बेल्ट वाला साइड है वहाँ से हमने 1 इंच बढ़ा कर रखा है लंबाई को। अब जो आसन वाला साइड है वहाँ पर तो हम 1 इंच बड़ा रखेंगे, लेकिन जो हिप साइड है उसको हम इक्वल रखेंगे फ्रंट के। अब ये देखिए उधर से मैंने बड़ा रखा है आसन वाले साइड से, और यहाँ से मैंने बिल्कुल इसको सेम मिला दिया है जिस तरह से पैंट की कटिंग होती है। बस आसन वाले साइड से हमें 1 इंच फ्रंट से बड़ा रखना है और फिर हमने क्रॉस करके उसको कटिंग कर देनी है। अब ये देखिए मैं आसन की भी कटिंग कर रही हूँ। बैक थोड़ी सी बड़ी अगर हम कट करते हैं तो उससे बहुत अच्छा बैठता है ये ट्राउज़र, और आपको पहनने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं आता इसके अंदर, पाइंचा बहुत अच्छा आकर बैठता है, बिल्कुल पैंट स्टाइल कटिंग होती है। अब ये देखिए मैंने 2-2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये मैं शेप देना है मुझे, तो इसलिए मैं पूरे नीचे तक इस तरह से जो हमारा फ्रंट की जो पल्ला कटिंग हुआ हुआ है उसी के हिसाब से मैं उसी को गाइडलाइन बनाकर 2-2 इंच का निशान लगा रही हूँ।
ताकि हमारे पास बिल्कुल सेम जो फ्रंट की जो कटिंग है बिल्कुल सेम उसी शेप में हमारे पास कटिंग आ जाए। तो जब हम इसको ज्वाइन करें तो सेम हमारे पास शेप कट होना चाहिए। आप चाहे तो ऊपर वाले को पल्ले को खिसका कर थोड़ा सा इसके साथ मिला दीजिएगा और बिल्कुल सेम शेप आ जाएगा। मैं तो ऐसे भी कट कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप से नहीं बिल्कुल सेम कट हो पाए तो आप इसको थोड़ा सा इधर खींच लीजिएगा 2 इंच के निशान के बाद और सेम कटिंग हो जाएगा। अब ये देखिए जब हम सिलाई करेंगे तो इस तरह से इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएगा जिस तरह से पैंट में होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्ती ये कटिंग आकर बैठती है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट ज़रूर बताया करें कि आपको कौन से डिज़ाइन सीखने हैं, क्या कटिंग सीखनी है। तो इंशाल्लाह आपके लिए यूज़फुल वीडियो होगी। इसी तरह की और कारामद वीडियोस के साथ हाज़िर होते रहेंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।